न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। आउट। पता है मैं जब तेरे बराबर का था ना तब एक दिन मेरी मम्मी को शादी में जाना था और वहां मिस्टर भटनागर चिल्लाए जा रहे थे, जल्दी करो, कितना टाइम देती हो इंदु। मिस्टर भटनागर? वो मेरे पापा। तो आप अपने पापा को मिस्टर भटनागर क्यों बुलाते हो? यार वो ना बड़ी लंबी कहानी, फिर किसी दिन सुनाऊं। तो सुन तो आगे क्या हुआ, मैंने सोचा मैं मेरी मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देता, तो मैं उनकी साड़ी इस्त्री करने लग गया और मुझसे साड़ी जल गई। फिर पता है मिस्टर भटनागर ने क्या किया? आपको मारा। और आपकी मम्मी ने क्या किया? यार ये जो मम्मियां होती है ना, इन्हें हमारी गलतियों में छिपा हुआ प्यार कहीं ना कहीं दिख जाता है। जैसे ही मैंने मेरी मम्मी को सॉरी कहा, उन्होंने फट से मुझे गले लगा लिया। पर मेरी मम्मी थोड़ी डिफरेंट है, वो इतनी जल्दी नहीं मानती। मानेगी नहीं मानेगी, 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 नहीं मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी। सुनना, सॉरी तो तुझे बोलना पड़ेगा, वो तेरा काम। अब मम्मी मानेगी या नहीं मानेगी ये तेरी मम्मी के ऊपर छोड़ दे। वैसे मुझे लगता है कि तेरी मम्मी मान जाएगी, तू ट्राई तो करके देख। अब गलती की है तो मनाना तो पड़ेगा ना। अब इसी के साथ ये सभा समाप्त। आओ खाना ठंडा हो रहे। भूख नहीं है। क्यों, टेंशन है? टेंशन? हाँ, वो विधवा मैडम की शादी के आड़ देने की गलती का। मैंने कोई गलती नहीं किया। फिर भी सॉरी बोल लूं, भूख अपने आप खुल जाएगी। अबे बाहर से खाना खा के आ रहा हूँ इसीलिए भूख नहीं है। तेरा बोरिंग खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? तो मदद करो ऊपर से। एक बात बता, तू क्या ज्ञान दे रहा बे? जब तूने गलती की तब तूने कहा एक बार भी सॉरी, तब तो तेरी गलती। मेरी गलती है? और नहीं तो क्या? ना तो वो काली जैकेट धोता, ना वो कोयल भागती, ना मैं वो मिर्ची मैडम से टकराता। तूने एक बार भी कहा मुझे सॉरी। सॉरी मेरी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। और सॉरी बोला नहीं, इसके लिए भी सॉरी। लो अब तो 3 बार बोल दिया सॉरी। भैया जाओ जाओ, सॉरी बोल के आ जाओ। मैं जानता नहीं कि आपको हैं, रात भर जगते रहोगे, नींद नहीं आएगी और फिर कमरे में उछल कूद करते रहोगे और मेरी भी नींद हराम कर दोगे और कल जाके सॉरी बोलाओगे। उससे अच्छा अभी जाओ। सुनना, मैं कोई रात भर जागने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही और ये काम ना मैं कल करूंगा ना परसों। मैं एकदम क्लियर, समझा? एकदम क्लियर। जब मैं कितना क्लियर होता हूँ ना तो मैं क्लियर होता हूं। अब हट जाओ, हट अभी। भाभी सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। कैसे? हमारा परिवार 80 साल से इस मोहल्ले में रहता है। कभी लोगों को कुछ कहने का अवसर नहीं मिला। नमस्कार। नमस्कार साहब हैं? क्या काम है? इश्तेहार दिया था उन्होंने अखबार में, इसीलिए आ रहा हूं। कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? मतलब का क्या मतलब भाई, इतने दूर से आ रहा हूं देखने के लिए, देखना तो पड़ेगा ना। अभी आप लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर अच्छी लगी तो अभी के अभी नक्की कर दूंगा, आई प्रॉमिस। वो क्या कहते हैं, वो चट मंगनी पट ब्याह। जाइए दिखाइए उन्हें। नहीं 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 दिखाना हमें। नहीं दिखाने का क्या मतलब भाई? देखिए, बिना देखे ही ऐसा हाँ बोल दूं क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए, मैं उनमें से हूँ जो पहले ठोक पीट के देखता हूँ, फिर अच्छे से मुआयना करता हूँ। हाँ, पहले घुमाने ले जाऊंगा, फिर एक चक्कर काट के आऊंगा, फिर बात होगी। अगर मेरे हिसाब से काम की नहीं निकली तो अरे बौरा गए हो हैं? क्या बकवास किए जा रहे हो? जी जी मैं संभालती। जी देखिए, वो घर पे नहीं है। हाँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब मुझसे पहले भी किसी को ट्रायल के लिए दे रखी है ना? नहीं नहीं, अच्छी बात है, सही बात है भाई। आइटम अच्छी है तो लोगों की लाइन तो लगेगी ना। देखिए भाई साहब, ये एड गलती से छप गई है। आपको तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, ये क्या तरीका हुआ यार? मोटरसाइकिल बेचना नहीं था तो एड क्यों दिया? मोटरसाइकिल? अरे भाई साहब, आप मोटरसाइकिल लेने आए हैं? तो क्या आप शादी करने आ रिया था? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आइए ना, मोटरसाइकिल अंदर है, आइए आइए। अरे आइए माँ, ये मोटरसाइकिल लेने आए हैं। ले लो भाई, ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, सस्ते का माल मस्ते में। ले लो भाई, ले लो। कांदे वाला टमाटर कैसे दिए भैया? 16 रुपए किलो। बहुत महंगा बेच रहे हो। 14 रुपए दूंगी, 14 का भाव है। ठीक है बहन जी, 14 रुपए ले लो। थोड़े से मटर भी कर दीजिए, 1 किलो का। कितना है भैया? 20 रुपये हो गया। नमस्कार चीचा, क्या हालचाल है? पहले कुछ सब्जी खरीदो, फिर घर पे जाके खाना पकाओ, फिर अकेले बैठ करके खाना खाओ। ये तलाकशुदा आदमियों का जीना भी कोई जीना है? सुनिए, मैंने अखबार में आपकी शादी का ऐड पढ़ा था, उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ऐड गलती से छपा था। अब मेरा रास्ता छोड़िए। मैंने कहा ना, आपको समझ में नहीं आ रही। बस 1 मिनट। इन्होंने कहा ना ऐड गलती से छपा। प्रॉब्लम कहाँ है, तेरे सुनने में या समझने में? सुनना, सॉरी तेरा पापा के बोलेगा। सॉरी? हाँ, इधर नहीं, उधर। सर्दी है ना, तेल ठंडा हो जाता है ना सर्दी में सुबह सुबह। लाइए मैं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। करिए करिए, हो जाएगी।